नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी नीचे जो बटन है उसे दबा के प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट अपने आप पहुंचे। Facebook पर है तो प्लीज फॉलो जरूर कर दीजिएगा। एडमिशन ओपन, वेलकम यू DAV डबवाली CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज ही अपने बच्चे का उज्ज्वल भविष्य करें सुरक्षित। आओ चलो चले DAV स्कूल, आपके इलाके में उत्तम शिक्षा देने के लिए हमेशा वचनबद्ध। पता है DAV पब्लिक स्कूल, चौटाला रोड, डबवाली। संपर्क करें 9996438833। नमस्कार, सिरसा लोकसभा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जहां पर मंथन में जुटी है तो BJP अपने ग्राउंड पर लगातार तैयारियां कर रही है टिकट के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी निगाहें इनेलो पर टिकी है। क्या इस बार इनेलो सिरसा हॉट जो सीट है वहां पर, क्या इनेलो अपने एक कदावर चेहरे को मैदान में उतार कर भाजपा और कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौतियां पैदा करेगी? और इसी को लेकर अभेश सिंह चौटाला पिछले दो दिनों से लगातार सिरसा लोकसभा के तमाम विधानसभा हलकों में जाकर वो मूड चेक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मंथन कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता से बातचीत हो रही है। दरअसल अभेश सिंह चौटाला लगातार अपने तूफानी दौरे पर हैं। वो तीन तीन हलकों में अब तक जा चुके हैं, जिसमें से उनके कल की बात करें 1 अप्रैल की, तो सिर्फ उनके तीन हलके बचते हैं, जहां पर डवाली से वो शुरुआत करेंगे, उसके बाद वो कालांवाली पहुँचेंगे और सिरसा शाम को करीब बाद दोपहर तक वो वहाँ पर कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। लेकिन अभेश सिंह चौटाला इन तमाम लोकसभा हलकों में जब जा रहे हैं तो वो सबसे एक बड़ी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बार मैं आपको एक सबसे ज़बरदस्त और बढ़िया कैंडिडेट दूंगा जो सभी को पसंद आएगा, और सबसे बड़ी शर्त वो कह रहे हैं कि वो जीत कर लौटेगा। तो इस बार सत्ता से बाहर वापसी कर सत्ता में काबिज होने वाली उम्मीद रखती INLD अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। ऐसे में अगर हम देखें तो 2019 के चुनाव में चरणजीत सिंह रोड़ी को INLD ने उतारा था, उनको सिर्फ 88,000 मत मिले थे। 2014 के चुनाव में रोड़ी जीत गए थे, तब इनेलो को 5,06,370 वोट मिले थे। 2009 के चुनाव की बात करें तो डॉक्टर सीताराम को मैदान में उतारा था, उनको 3,80,000 वोट मिले थे। 2004 में सुशील इंदौरा को उतारा गया था, उनको 2,70,922 वोट मिले। लेकिन 1999 में INLD को यहां पर कामयाबी मिली थी और उनको उस वक्त इंदौरा को 4,19,000 मत प्राप्त हुए थे। लेकिन 2024 के मिशन पर निकली INLD के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही गढ़ में वापसी करना है, और ऐसे में अभेश सिंह चौटाला पूरी INLD प्रदेशाध्यक्ष लगातार कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लगे हैं, जहां पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 400 पार का नारा देने वाली जो BJP है वो कांग्रेस से उधार लेकर अपने उम्मीदवार उतार रही है। इनेलो के जो राष्ट्रीय महासचिव विधायक अभय चौटाला ने कहा है कि इनेलो पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी, प्रदेश के 10 के 10 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, और भाजपा पर उन्होंने तंज कसा है। लेकिन कुरुक्षेत्र और हिसार की बात करें तो उसके बाद 8 ऐसी लोकसभा सीटें बचती हैं जहां पर INLD एक कदावर चेहरों को उतारने की फिराक में है। लेकिन सिरसा सीट पर INLD जातीय समीकरण को साधने में जुटी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जहां पर कांग्रेस इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि कांग्रेस का सबसे स्थापित चेहरा कौन सा हो सकता है, ऐसा स्टैब्लिश चेहरा है, और उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो उसी तरीके से स्ट्रैटेजी वो INLD की भी समझ में आ रही है कि INLD इस बार कोई ऐसी मिस्टेक यहां पर नहीं करना चाहती कि जिस वजह से कैंडिडेट मजबूत हो लेकिन वो जातीय समीकरण को ना सेंध पाए। तो कहीं ना कहीं अभेश सिंह चौटाला एक चाणक्य नीति के साथ, एक बहुत संभल कर बहुत डीपली जाकर वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत साझा कर रहे हैं, और लगातार वो सिरसा की हर विधानसभा में जाकर माइक्रो लेवल से बूथ लेवल पर जाकर
अभय चौटाला है वो कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं और एक तरीके से वो मूड पूरे सिरसा का चेक कर रहे हैं ताकि यहाँ से एक अच्छे कैंडिडेट को उतारा जा सके। और इसी को लेकर कवायद में लगे हैं लगातार और सिरसा में सबसे बेसब्री से इंतजार INLD के उस चेहरे का हो रहा है। क्या माना जाए इस बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक स्थापित चेहरे के तौर पर जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है उसमें पूर्व में विधायक रहे और पूर्व में जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके डॉक्टर सीताराम हैं, 2009 में चुनाव लड़ा तो अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास अपना INLD के तौर पर है, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सबसे पहले चेहरे के तौर पर है। लेकिन इस बात को जरूर समझने की कोशिश करनी होगी कि अभय चौटाला जब अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका मंथन कर रहे हैं, भाप रहे हैं स्थिति को, तो वो एक बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि मैं आपको इस बार एक बढ़िया कैंडिडेट दूंगा, सबकी पसंद का कैंडिडेट दूंगा और वो जीत कर आएगा। तो इस बात को तीन मायनों को समझने की कोशिश आपको करनी है, समझने की प्रयास करना है कि इस बार अभय चौटाला किसी बड़े मूड के अंदाज में और एक बड़ा जो बूस्टअप चाहते हैं सिरसा को, वो इस बार किसी भी सूरत पर जीतने की फिराक में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनेलो लगातार आम जनमानस के मुद्दों को उठाती रही है विपक्ष के तौर पर भी, और जिस तरीके से इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा में जिस तरीके से पूरे हरियाणा में हुजूम उमड़ा और जिस तरीके से अभय चौटाला लगातार लोगों के बीच में रहकर और वो कुरुक्षेत्र की रण से अपना चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है, कहीं ना कहीं जो एक एक, एक तरीके की मैनेजमेंट है किस तरीके से कार्यकर्ताओं को नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर एक उस कैंडिडेट का चुनाव किया जाए जिस पर एक आम सहमति बन सके। और ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि सिरसा लोकसभा की नौ सीटों पर जाकर अभय चौटाला ने एक तरीके से सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। और ऐसे में कांग्रेस अभी तक हलकों में नहीं उतर पाई है, कांग्रेस उन मंथन भी नहीं कर पाई, हालांकि कांग्रेस के विधायक यहां से जो सिटिंग MLA हैं अमित सिहाग वो लगातार अपने हलके में जरूर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन अगर हाईकमान की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें तो सिर्फ शैलजा को आप एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, बाकी नेता अभी तक मैदान में नहीं निकल पाए। तो ऐसे में कुटबाजी में जो नज़र आती, एक असहमति में नज़र आती, कांग्रेस अपने सहमति पत्र जुटाने में जुटी है लेकिन उसके पास संगठन नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की अगर आप तुलना में देखेंगे, INLD का एक संगठनात्मक पूरा ढांचा है, उसके अंदर जिलाध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर किसान सेल से लेकर अनुसूचित जाति के पिछड़ा वर्ग के सेल से लेकर तमाम जो सेल INLD ने पहले से तैयार किए। तो ऐसे में अभय चौटाला की जो एक बहुत बड़ी जिस बार सर्चिंग इस बार चेहरे को लेकर वो सिरसा पर फोकस कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि इस बार एक अच्छा बेहतरीन जो कैंडिडेट है वो सिरसा से उतारा जाए। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है INLD का सबसे चाहता चेहरा इस बार लोकसभा में कौन हो सकता है और क्या इस बार इनेलो अपनी वापसी करते हुए उन चुनौतियों को, उन मिथ्स को तोड़ पाएगी और अपने गढ़ में किस तरीके की परफॉर्म करती है, आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।